और आईटीबी नेटवर्क द्वारा आयोजित यह डिफेंस और एरोस्पेस समिट, मैं मानता हूं कि यह निश्चित रूप से सही दिशा और सही समय पर यह लिया गया कदम है। और इस तरह के आयोजन इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंटरफेस के लिए एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराते हैं, जो देश के विकास की प्लानिंग तथा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ देश की ओवरऑल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में भी वह सहयोग देते हैं। मेरा यह हमेशा मानना रहा है कि देश की सुरक्षा, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सुरक्षा शामिल है, वह विकास की सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यदि देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी और देश के भीतर शांति नहीं होगी, तो विकास का सपना यह दूर की कौड़ी साबित होगा। और आज जब भारत दुनिया की तेजी से प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था में गिना जा रहा है, तो इसके पीछे यहां का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। और अब जब देश ने 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का एक संकल्प लिया है, तो यह तय है कि डिफेंस सेक्टर की उसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत में मेरा मानना है डिफेंस सेक्टर में इंडिजनाइजेशन के साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी काम चल रहा है। और आप सबने देखा ही होगा, स्वदेशी तकनीक से बनाए गए तेजस विमान की कामयाबी को भी, और मैं स्वयं तेजस विमान में उड़ान भरकर इस मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेन की क्षमता का भी आकलन कर चुका हूं। और तेजस के बाद फ्रांस में जाकर राफेल की भी उड़ान का मैंने अनुभव लिया है, और मैं कह सकता हूं कि हमें तेजस से राफेल के बीच का फासला अब तय करने की जरूरत है। आज भले ही हमें इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ रही है, मगर यह स्थिति बहुत लंबे समय तक बने रहना, मैं मानता हूं कि यह ठीक नहीं है। और भारत जैसे विशाल और ग्लोबल प्रोमिनेंस वाला देश आयातित हथियारों पर निर्भर नहीं रह सकता है, तथा यह भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने के हमारे उद्देश्य के साथ भी कोई मेल नहीं खाता है, यह मैं मानता हूं। और इसलिए हमारा लक्ष्य एक वाइब्रेंट व वर्ल्ड क्लास डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री बनाना है, ताकि हम आयात पर निर्भरता कम हो तथा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह मानना है कि इसे संभव करने के लिए यह अति आवश्यक है कि सिस्टम को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया जाए, तथा वह डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के अनुकूल हो, यह भी सावधानी हमको बरतनी होगी। और मैं यह भी मानता हूं कि, और आप सब भी मेरी बात इस बात से सहमत होंगे, कि कॉरपोरेट टैक्स रेट को 22% करने का सरकार का जो हाल में लिया गया फैसला है, यह एक ऐतिहासिक कदम है जो सरकार के ग्रोथ व इन्वेस्टमेंट में तेजी लाने के कमिटमेंट को, उनकी प्रतिबद्धता को सरकार की वह दर्शाता है। और सरकार ने उन स्पेसिफाइड रक्षा सामानों के आयात पर IGST में बहुत बड़ी छूट दी है, जो अभी स्वदेशी रूप में निर्मित नहीं किए जाते उनके ऊपर। इससे हाई एंड टेक्नोलॉजी के आयात की सुविधा होगी, जिसके फलस्वरूप स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, और मैं मानता हूं कि इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। रक्षा आयात को कस्टम ड्यूटी से भी हम लोगों ने छूट दी है, जिससे डिफेंस सर्विसेज की सालाना 25,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। और इस निर्णय से कुल करीब 60,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, और यह राशि मॉडर्नाइजेशन के लिए होने वाले खर्च के लिए उपलब्ध होगी, जो भारतीय रक्षा उद्योग को और तेजी से गति प्रदान करेगी। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भी
भारत सरकार के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडियन इंडस्ट्री जिसमें स्टार्टअप्स व एमएसएमईज भी शामिल हैं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने आर्म्स एक्विजिशन प्रोसेस में डोमेस्टिक इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स को भी काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। जहां पहले इंपोर्ट ही डिफॉल्ट ऑप्शन था, अब इंडिजिनस सॉल्यूशंस को प्राथमिकता हम लोग दे रहे हैं पूरी तरह से, तथा यह आज हमारी सरकार का जरूरी हिस्सा भी बन चुका है। और मैं तो उससे भी आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि देश को इंडिजिनस सॉल्यूशंस के साथ साथ कुछ और भी सोचने की जरूरत है। इस पर इंडस्ट्रीज को भी काम करने की जरूरत है। और हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसेस को लिबरलाइज किया है, एफडीआई कैप को हमने बढ़ाया भी है, डिफेंस एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए कई उपाय भी हम लोगों ने किए हैं, डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी को हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, मेक प्रोसीजर को भी काफी सिंप्लीफाई किया है, गवर्नमेंट ओन ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, तथा स्टार्टअप्स एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के पार्टिसिपेशन के माध्यम से इनोवेशन को बढ़ावा देने की स्कीम्स भी अनाउंस की है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल भी नोटिफाई किया है, जिसका उद्देश्य इंडियन इंडस्ट्रीज की ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जिसे ओईएम बोलते हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और इसके द्वारा देश की डिफेंस कंपनीज का कद और बड़ा होगा और आने वाले समय में वे ग्लोबल जायंट्स के रूप में स्थापित हो सकेंगे। यह हमारी ख्वाहिश है। और आप सभी को पता होगा कि दो डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर्स तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में अनाउंस किए गए हैं, जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स की कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है, ताकि डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा सके। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है देश को बतलाते हुए कि दोनों राज्य सरकारें, हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और तमिलनाडु की राज्य सरकारें, इसमें पूरी तरह से वह सहयोग कर रही हैं। और इन कॉरिडोर्स के डेवलपमेंट से ना केवल लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, बल्कि एक वेल प्लान्ड तथा इफिशियंट इंडस्ट्रियल बेस भी प्राप्त होगा, जिससे देश के डिफेंस प्रोडक्शन में भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ोतरी होगी। शायद आप लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं होगी, 2018-19 में भारत में 80,000 करोड़ रुपए की लागत का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है, और हम इसे 1,00,000 करोड़ करना चाहते हैं, और हमारा संकल्प है कि 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जिसमें भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का योगदान भी शामिल है। और चूंकि हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर भरोसा करते हैं, इसलिए सरकार इस काम में फैसिलिटेटर की भूमिका में है। इसलिए आइए नए और मजबूत भारत के हमारे विजन में आप भी साझीदार बने, यह मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री पार्टनर्स भी डिफेंस सेक्टर से संबंधित ठोस निवेश और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रपोजल्स के साथ वो आगे आएंगे, और इस सेक्टर में उपलब्ध बिजनेस के अवसरों का भी वो पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार नए आइडियाज के लिए पूरी तरह से ओपन है, तथा प्राइवेट सेक्टर की इंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट तथा एनर्जी को डिफेंस क्षेत्र के साथ साथ सिनर्जाइज करने के लिए भी हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री नई ऊंचाइयां तय करेगी।